दोस्तों अभी मेरे सामने है 2024 की यमहा एडॉक्स वर्शन एस। डिजाइन लैंग्वेज को सेम रख के एक स्टेप टेक्नोलॉजी के मामले में कैरी फॉरवर्ड किया है यमहा ने। आपका स्कूटर पार्किंग पे है, आपका डिस्टेंस कितना भी हो दोस्तों, देखिए इतने दूर से इस वाले मिडिल वाले बटन को दबा दीजिए, आप देख पाओगे आपका स्कूटर कहाँ पे है। अंधेरा भी हो और कहीं पे भी हो डिस्टेंस पे, इस वाले बटन को दबाते ही पीछे का इंडिकेटर, दोनों इंडिकेटर एक साथ जल जाएगा, एक साथ जलेगा और बजर भी आवाज़ करेगी। 155 कुछ इस टाइप स्टिकर कॉम्बिनेशन पे लिखे जाते हैं इसमें। VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन वर्शन एस, नीचे एडॉक्स कुछ गोल्डन स्टिकर के साथ लिखा जाता है इस पर। 155 ऑलमोस्ट 15 BHP 8000 RPM, 15 BHP 8000 RPM और 13.9 न्यूटन मीटर टॉर्क देगी 6500 RPM। इनिशियल परफॉर्मेंस और मिड रेंज दोनों में काफ़ी आगे निकल चुका है यमहा की एडॉक्स, तो ठीक ठाक सिटी में परफॉर्मेंस इससे आप निकाल पाओगे और माइलेज भी। पीछे 140 और सामने 110, 14 इंच एलॉय व्हील्स में गोल्डन टचअप के साथ, सिंगल चैनल ABS में, पीछे भी RLP सेंसर का इस्तेमाल होता है दोस्तों। देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें दिए जाते हैं। हाई स्पीड में दोनों चक्के की स्पीड ECU मॉनिटर करते रहेगा दोस्तों, ताकि अचानक से ब्रेक अप्लाई करने पर टायर स्किट ना हो। पीछे 140 सामने 110, दोनों साइड पे रिफ्लेक्टर दिए जाते हैं सेफ्टी वाइज। पीछे शॉक एब्जॉर्बर और सामने टेलीस्कोपिक फॉर्क। गाइज इधर देखिए इसका इंडिकेटर और इधर भी फिट एंड फिनिश मुझे ठीक ठाक लगा दोस्तों। 155 लिक्विड कूल इसका स्टिकर कॉम्बिनेशन देख पाओगे, वर्शन एस एडॉक्स VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन और इधर इसका स्मार्ट की। पीछे से तो कुछ व्यू ऐसा दिखेगी, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर इसमें और इसका एग्जॉस्ट पाइप 140 काफ़ी मोटा चौड़ा सा टायर दोस्तों इसमें इस्तेमाल होता है। चलिए आप देखेंगे इसका मीटर कंसोल को जिसमें घड़ी भी दिखाएगी। इधर ABS इंडिकेशन देख पाओगे ऊपर इंडिकेटर की, RPM मीटर स्टाइल एलिमेंट कुछ इस तरीके से है दोस्तों और फ्यूल गेज। स्विच प्रोफाइल काफ़ी प्रीमियम मुझे लगा, प्रॉपर हैजर्ड लाइटिंग का बटन भी अलग से दिया गया है इसमें। इंडिकेटर हाई बीम लो बीम इसका हॉर्न। अब फ्यूल डिपार्टमेंट देख लो और इसका सीट, हाफ हेलमेट के साथ दोस्तों काफी सारा कुछ सामान इसमें आप रख पाओगे। सो दोस्तों आज का रिव्यू बस इतना ही। डांडकुनी ऑटोमार्ट यमहा ब्लू स्क्वायर डीलर के पास गाड़ी अभी आ चुका है स्कूटर, अब जल्दी से शोरूम पे विजिट कीजिए और अपना ड्रीम स्कूटर परचेस कीजिए। आई थिंक मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल पे सबसे पहले यमहा ऑटोमार्ट डांडकुनी पे स्कूटर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो डिस्प्ले पे गाड़ी दिख जाएगा, आप जल्दी से शोरूम पे विजिट कीजिए और अपना ड्रीम स्कूटर परचेस कीजिए। 1,86,000 से 1,90,000 के अंदर ही ऑन रोड अप्रोक्स पड़ेगी, बट आप शोरूम पे विजिट कीजिए, स्कूटर देखिए, टेस्ट राइड लीजिए इसका, देन आप बोलिए आपको कैसा लगा यमहा एडॉक्स वर्शन एस। सामने से तो कुछ नज़ारा भाई ऐसा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है बाकी ब्रांड के मुकाबले। और इसका स्मार्ट की फीचर्स और एक बार दिखा दो आपको, आप कितने भी दूर पे जाओ गाड़ी आपका पार्किंग में है, आप इसे ढूंढ रहे हो आपको मिल नहीं रहा है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी इसको ढूंढने के लिए खाली इस वाले बटन को प्रेस कीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, वही आपको नोटिफिकेशन दे देगा मैं इधर पर हूँ। दोनों इंडिकेटर एक साथ जलेगा और आवाज़ भी होगा बजर का, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 फुट डिस्टेंस के अंदर जब रहोगे तो ही आप इसको स्टार्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप दूर जाओगे चाबी के साथ आपका स्कूटर स्टार्ट कोई नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो ई मोबिलाइजर फीचर्स जैसे होंडा में था उसी टाइप का फीचर्स यमहा ने भी दिया है दोस्तों, यमहा एडॉक्स 125S के रूप में। और आपके स्टेट में कीमत वगैरह जानने के लिए मेरे कमेंट सेक्शन पे आपके स्टेट का नाम लिख दीजिए, मैं अप्रोक्सिमेट बोल दूंगा। और डांडकुनी ऑटोमार्ट यमहा ब्लू स्क्वायर डीलर पे बाइक अभी आ चुका है, जल्दी से डांडकुनी ऑटोमार्ट यमहा ब्लू स्क्वायर पे आइए और अपना ड्रीम स्कूटर परचेस कीजिए। मैंने बाइक बोल दिया भाई, स्कूटर परचेस कीजिए।